कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और चिंता बढ़ने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ कोरोना नियमों के पालन का प्रसार बढ़ाने की बात हुई। मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया है कि सतर्क रहना है, लेकिन बेवजह डरना नहीं और डराना भी नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कोरोना टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ कोरोना नियमों के पालन का प्रसार बढ़ाने की बात की। हमें सतर्क रहना है, आवश्यक भय नहीं फैलाना है। 10 और 11 अप्रैल को पूरे देश में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल होगी। इसमें सभी स्वास्थ्य मंत्री भी अस्पताल का दौरा करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और ऐसा 6 महीने बाद हुआ है। 13 मरीजों की मौत हुई है। रोजाना संक्रमण दर बढ़कर 3.39% हो गया है। आप ये जान लीजिए कि जब पहले हम कोरोना कवर करते थे उसमें एक साफ साफ बात बता दी गई थी कि अगर ये 5% से ऊपर चला जाए तो आप समझ लीजिए कि ये खतरे की बात है, ये आसान स्थिति नहीं है और एकदम अलर्ट रहना है। 3.39 तक वो पहुंच चुका है। कोरोना से क्यों चिंता बढ़ रही है आपको वो जरा स्क्रीन पर दिखा दें। 29 मार्च को, यानी कि अभी कुछ समय पहले, 2151 केस थे कुल देश में। अगले दिन ये 3000 पार हुए, फिर 3100 के पास हुए, फिर 1 अप्रैल को थोड़े से गिरे तो एक उम्मीद जगी कि चलो भाई। लेकिन उसके अगले दिन 2 अप्रैल ये 3823, जाहिर सी बात है ज्यादा टेस्ट हुए होंगे तो ऊपर गया, फिर 3640, फिर 3038, फिर 4435, फिर 6 अप्रैल को 5300। आप देखिए बिल्कुल वही ट्रेजेक्ट्री ले रहा है, एकदम से मतलब बढ़ना शुरू। तो फिर जब बढ़ना शुरू होता है तो फिर जैसे अभी हजार हजार केस जुड़ रहे हैं, फिर 2000 जुड़ने लगेंगे, फिर ये डबल और जल्दी जल्दी होने लगेगा, क्योंकि इसी को संक्रमण कहते हैं, तेजी से फैलता है। अब आपको पॉजिटिविटी रेट बता दें, अलग अलग जगहों पर साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट जो मैंने आपको बताया कि ये 5% से कम होना चाहिए, जो 3.39% हो गया है, ये 10 दिन पहले 1.39% था। सोचिए, जो चीज एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले माफ कीजिएगा, 1.3 थी, वो आज 3 कुछ हो गई है, और 5% अगर पहुंच जाएगी तो ये बहुत बहुत चिंता की बात है देश के। अब जो कोरोना के बिगड़ते हुए हालात हैं इसके बारे में आपको कुछ बता दें। एक जो पॉजिटिविटी रेट है साप्ताहिक, वीकली, ये आपके सामने है। ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं आपको वो भी बता देते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है और कितनी चिंता करनी चाहिए। तो ये जो बढ़ते मामले हैं इसके पीछे एक वेरिएंट है, जैसे आपने सुना होगा डेल्टा, ओमिक्रॉन, ये सब वेरिएंट थे, वैसे ये एक वेरिएंट है जिसका नाम है XBB.1.16। ये जो वेरिएंट है इसके सबसे ज्यादा केस अभी भारत में ही है। ये वेरिएंट काफी तेजी से फैलता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी लोगों तक पहुंचता है। इस वेरिएंट ने अभी खतरनाक मोड़ नहीं लिया है, ये एक अच्छी बात है। फिलहाल WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लगातार इस वेरिएंट की मॉनिटरिंग कर रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। अब आपको दिल्ली की बात बता देते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी मामले बहुत तेजी से बढ़े, तो दिल्ली के आंकड़े आप जरा स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि दिल्ली में केस किस तरीके से बढ़ रहे हैं। मरीजों की भर्तियां जो हैं वो यहां पर 6 अप्रैल को 606 थी, जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं वो भर्तियां जो हैं वो भी बढ़ रही हैं। 1 अप्रैल को 95 थी, लेकिन 6 अप्रैल को 606 हो गई। और मामले भी कहां थे और कहां पहुंच गए हैं ये आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। माफ कीजिएगा, 95 भर्तियां थी और 117 भर्तियां हो गई हैं 6 अप्रैल को, और मामले जो हैं वो 606 पहुंच गए हैं। आंकड़े हैं, कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है, इस वजह से मैंने अपने आप को दुरुस्त कर लिया। ये आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि लगातार एक ट्रेजेक्ट्री दिखाई दे रही है कि किस तरीके से मामले तेजी से ऊपर जा रहे हैं। तो इसका एक ही एक सोल्यूशन है और वो जरा आपको फिर से बता दें, वो ये है कि कोरोना अभी गया नहीं है, हो सके संभव हो
भीड़ भाड़ के इलाके में जाएं तो मास्क एक बार फिर से पहन, यही बचाव। और अगर बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो वो लगा लीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको सुनाएंगे एक खास बातचीत शरद पवार के साथ। उन्होंने बहुत कुछ बोला है और शायद कांग्रेस पार्टी को ये कुछ बातें पचेंगी नहीं, अच्छी नहीं लगेंगी। देखते रहिए एनडीटीवी न्यूज़।